अब हर खबर से रहिए बाखबर, देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्रो खबर पर। कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से गोकर्णा में मनाया गया उमे सहाफत बटखल के सहाफी नातुल्ला गवाई और जोयडा के पांडुरंग सहाफती खिदमात पर जेस हेगड़े अज्जी बड़े अवार्ड से सरफराज। बीदर में बच्चों को चॉकलेट ऑफर करने पर इंजीनियर का बेदर्दी से कत्ल, बच्चा चोर समझकर भीड़ ने पिकनिक मनाने आए नौजवानों को बनाया तशद्दुद का निशाना, एक शख्स की मौत, 3 साथी जख्मी। बेकाबू भीड़ ने पुलिस की भी नहीं की परवाह, पुलिस करती रही मिन्नत समाजत, लोगों ने पीट पीट कर किया कत्ल, व्हाट्सएप पर बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी का गठबंधन सरकार पर रोना, एक प्रोग्राम में आंखों से छलके आंसू, कहा जो दर्द मैं पी रहा हूं वो जहर से नहीं कम। दिल्ली के तिलक विहार पुलिस चौकी में नाबालिगा ने की खुदकुशी, पड़ोसी शादी के लिए कर रहा था परेशान, लड़की को देर रात पुलिस थाने ले जाने पर पुलिस पर भी उठ रहे हैं सवाल। दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग आज, दारुल कदा के क्याम, माशरती इस्लाही प्रोग्राम, मुस्लिम पर्सनल लॉ की राह में आने वाली रुकावटों के सद्देबाब पर किया जाएगा तबादला ख्याल। दिल्ली के बुरारी के बाद एक और दिल दहला देने वाली इज्तिमाई खुदकुशी की वारदात, झारखंड में एक ही खानदान के 6 अफराद की मिली लाशें, 5 ने की थी खुदकुशी, एक का कत्ल, कर्ज के बोझ से परेशान था खानदान, पुलिस कर रही है जांच। शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे का मोदी सरकार पर हमला, कहा विकास के नाम पर वोट मांग रही सरकार, अब इंतखाबात के वक्त राम मंदिर को बना रही है एजेंडा, नोटबंदी जिस तरह उजलत में की गई नाफिज, राम मंदिर की तामीर पर भी जल्द फैसला लेने की कही बात। भोपाल में मॉडल को बंधक बनाने वाले सरफिरे आशिक का पुलिस ने निकाला जुलूस, खवातीन ने की जूते चप्पलों से जमकर पिटाई। यूपी में कानून की हुक्मरानी पर उठे सवाल निशान, खातून के साथ इज्तिमाई आबरू रेजी की कोशिश नाकाम होने पर दबंगों ने खातून को जिंदा जलाया, बदमाशों की अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। मंदसूर में 8 साल मासूम के साथ इस्मत रेजी के मुलजिमों का मुकदमा, लड़ने को कोई नहीं तैयार, कल होनी है मुकदमे की समाअत। सूरत में बदमाशों ने दिन दहाड़े अंजाम दिए कत्ल की वारदात, बाइक सवार नौजवान पर बदमाशों ने चाकू से किए कई वार, CCTV में कैद हुई कत्ल की वारदात। झारखंड में मुसाफिर बरदार बस में लगी भयानक आग, मुसाफिरों ने आनंद फानंद बस से उतरकर बचाई जान, कंडक्टर की आग में झुलसने से हुई मौत, हाई वोल्टेज तार के बस से छूने से पेश आया था हादसा। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की वारदात, ऑनलाइन फूड सप्लाई करने वाले डिलीवरी बॉयज पर लगा इल्जाम, CCTV में कैद हुई गुंडागर्दी की वारदात। राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती इम्तिहान का आज आखिरी दिन, नकल रोकने के लिए पूरे जिले में इंटरनेट खिदमात रखी गई बंद। कांस्टेबल भर्ती इम्तिहान से लौट रहे नौजवानों का दिखा अजीब मंजर, ट्रेन की कमी से अपनी जान जोखिम में डाल ट्रेन की छत पर चढ़कर कर रहे थे सफर, हुकूमत की बद इंतजामी पर उठ रहे हैं सवाल। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों और हिफाजती दस्तों में मुठभेड़, गोलाबारी में 2 BSF जवानों की मौत, 1 जख्मी। राजकोट के मेटोडा गांव में एक डिजिटल बम बरामद होने से मची हड़कंप, पुलिस और बम स्क्वाड जाए वारदात पर पहुंची, छानबीन जारी। अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में 192 ममालिक के दरमियान तारकीन वतन के आलमगीर माहदे पर इत्तिफाक, तर्क वतन के अमल को महफूज और मुनज्जम बनाना होगा मकसद, माहदे से अमरीका ने अपने आप को रखा दूर। तुर्की में नाकाम बगावत के बाद नाफिज एमरजेंसी 18 जुलाई को होगी ख़त्म, तुर्क सदर का बयान, कहा एमरजेंसी ख़त्म होगी लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंगी कार्रवाइयों में नहीं लाई जाएगी कमी।